हैवेल्स कंपनी का मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया था। मॉडल नंबर की बात कर लेते हैं, BT5100C ये मॉडल नंबर है। ये मेरे को 505 रुपए का पड़ा है। मैंने इसको इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया था, जो स्विगी की ही वेबसाइट है। अनदर वेबसाइट से मैंने इस वजह से नहीं ऑर्डर किया क्योंकि वहां प्राइस इसका 600 दिखा रहा था। वैसे इसमें भी 600 ही दिखा रहा था, लेकिन मेरे को एक कूपन एक्स्ट्रा मिल चुका था जिससे मेरे को लेस हो गया और 505 रुपए का पड़ गया। ठीक है, अनबॉक्सिंग और रिव्यू पूरा करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले ओपन करते मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हमको बेसिकली देखने के लिए क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स हमको देखने के लिए मिलता है। बॉक्स के ऊपर ही आपको इसका ऑयल और एक ब्रश देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ऑयल का यूज आप बेसिकली तब कर सकते हो जब मतलब आपका ट्रिमर में ज़्यादा हेयर फंस जाए। ठीक है, या ब्लेड आपको ऐसा लगे कि वो मतलब कि रुक रुक के चल रहा है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये इसका यूजर मैनुअल है। ठीक है, मतलब इधर से आप कुछ रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, बाकी मैं वीडियो में भी आपको सबको दिखाई देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। सो इस टाइप के से इसका बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, बॉक्स के अंदर हमारा ट्रिमर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से, और इसके अंदर एक वायर भी दी गई है जिससे हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। एक और बात बता दूँ, ये बैटरी वाला है, मतलब इसके अंदर ही ऑलरेडी बैटरी डली हुई है। हमको कोई एक्स्ट्रा अनदर मतलब वैसा सिस्टम नहीं है कि अगर लाइट हमारी चली भी जाए तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अभी इसको ओपन करके मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दे देता हूँ। अभी आप सोचोगे इसके साथ हमको कोई ब्लेड देखने के लिए नहीं मिले, जैसे 3 mm हो गया, 1 mm हो गया, 1.5 mm हो गया। आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ऊपर ब्लैक सा, यही इसका ब्लेड है। इसी को आप ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने नीचे करके मतलब नीचे किया ना, ये आगे वाले बटन से आप इसको ऑन और ऑफ करोगे। ठीक है, सो जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, देख सकते हैं आपको ब्लेड में मूवमेंट होना दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, जिसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, इससे आप इसके ब्लेड्स के एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, लाइक 1 mm पे अभी ये सेट है। ठीक है, 1 mm पे अभी ये सेट है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो भी मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और पीछे आपको इसके नंबर भी शो होते रहेंगे। ठीक है, जहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक नंबर शो हो रहा है उसी साइड पे। ठीक है, एक और बात रखना, इसके नीचे का लॉक वाला बटन है, अगर आपने लॉक लगाया होगा तब आप इसको ऊपर करने की कोशिश करोगे, ये ऊपर नहीं होगा। ठीक है, आपका वो अनलॉक ही रहना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया, अभी ब्लेड की लेंथ को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा ट्रिमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आपको मैं एक बार फिर से शो करा देता हूँ किस टाइप से ये चल रहा है। ठीक है, सो भी देख सकते हैं पीछे, मतलब कि जैसे आपने अपना ब्लेड को एडजस्ट कर लिया, तो पीछे से अपने उसको लॉक कर लेना मस्ट। ठीक है, अगर लॉक नहीं करते तो आपका ये ऑन भी नहीं होगा, बटन ही नहीं वर्क करेगा। अब इसको मैं चार्ज करके तुमको एक बार शो कराता हूँ किस टाइप से इसकी लाइट चल रही है। सो जैसे कि लगा लेते हैं, सो ये देख सकते हैं इस टाइप से इसकी लाइट चल रही। तो अभी मैं बताऊँ, मैंने इससे हेयर काट के देखे थे अपने सिर के, तो बहुत ही बढ़िया से कट गए थे। ठीक है, तो बस यही था यार इसका रिव्यू और एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी और के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।